आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रिमूव ऑयल फ्रॉम योर स्कैल्प बिना शैम्पू के बिना ड्राई शैम्पू के बिना प्रॉपर शैम्पू के और बिना बेबी शैम्पू के सो so, इन तीनों के बिना कैसे आप अपने स्कैल्प से और अपने स्ट्रैंड से ऑयल निकाल सकते हो आज वही हम डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि उनके स्कैल्प में बहुत जल्दी ऑयल आ जाता है और वो शैम्पू इतना ज़्यादा जल्दी करना नहीं चाहते तो वो क्या करें क्या करें क्या करें तो आज की रेमेडी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी सो मेक श्योर आप इस पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर जरूर देखें वेलकम बैक टू चैनल सेल्फ केयर सीक्रेट्स आई रियली होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे होंगे सो so, आज की जो रेमेडी है इट इज मोर ऑफ लाइक अ होम मेड क्लेंजर जो कि बहुत ही ईजी इनग्रीडियंट से बनाए इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन इनग्रीडियंट्स यूज हुए हैं सो लेट्स गेट

उन सभी से शेयर करो जिससे कि वो भी इन सभी रेमेडीज को फॉलो कर सके और अपने स्किन और बालों का ध्यान रख सके अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इस चैनल में आप देख सकते हो न्यू वीडियो एवरी ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे रिलेटेड टू तो हेयर केयर एंड स्किन केयर तो इस होममेड मेड क्लेंजर को बनाने के लिए सबसे पहले जो मेन मेन इंग्रेडिएंट हमें चाहिए दैट इज मुल्तानी मिट्टी यानी कि फुलर्स अर्थ सो गाइज कैन यू इमेजिन मैंने शैम्पू नहीं किया और मेरे बाल और मेरे जो स्कैल्प uh, है वो कितना क्लेंज हो गया सी दिस मतलब वन मुल्तानी मिट्टी कैन डू दिस मच फॉर यर हेयर स्टैंड एंड स्कैल्प ऑल्सो सी और यहीं कहीं पे मैं क्लिप लगा दूँगी लेकिन जब मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड uh, किया था तो मेरे सेमी ड्राई थे अभी भी मेरे कंप्लीटली ड्राई तो नहीं हुए बट हाँ देर इज नो साइन ऑफ ऑयल लाइक लिटरली नो साइन ऑफ ऑइल तो अगर आपको बहुत ज़्यादा शैम्पू नहीं करना है अवॉइड करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस क्लेंज़र को ट्राई कर सकते हो मुल्तानी मिट्टी आपको ईजिली किसी भी स्टोर में मिल जाएगी तो आप वो ले सकते हो और मुल्तानी मिट्टी की अगर मैं बात करूँ तो वो सेंचुरी से यूज़ किया जा रहा है एज अ हेयर क्लेंजर नॉट ओनली एज अ हेयर क्लेंजर बट आपकी स्किन के लिए भी मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी है सो so, दैट इज़ वन मुल्तानी मिट्टी के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं ए या आपके स्कैल्प में से एक्सेस ऑयल को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व करेगा तो जो भी आपकी ऑयली और चिपचिप चिप बालों की प्रॉब्लम है वो हो गई सॉल्व सेकेंडली आपके बालों में अगर शाइन नहीं है तो वो शाइन भी लेकर आने में हेल्प करेगा एंड थर्ड मुल्तानी मिट्टी आपको डेंड्रफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे भी क्योर करने में बहुत ही ज़्यादा एक हेल्दी और बहुत यूजफुल इन्ग्रीडियंट है फॉर योर स्केल्प एज़ वेल well. और आपको शायद ये पता नहीं होगा जिन लोगों ने भी केमिकल ट्रीटमेंट कराया जिसकी वजह से उनके बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं और वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे लाइफलेस से हो गए हैं तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा मुल्तानी मिट्टी और आज की रेमिडी का जो हमारा सेकेंड इन्ग्रीडियंट है दैट इज़ कििकम्बर यानी कि खीरा खीरा जो होता है एक बहुत अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपके स्ट्रेंड्स को और खीरे में एक मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है बट अगर जिनके बाल बहुत ही ज्यादा ऑयली हैं और वो लोग खीरे का एप्लीकेशन करते हैं तो खीरा एज अ क्लेंजर भी काम करता है तो अगर ड्राई बाल हैं उन्होंने अप्लाई किया तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर लॉक हो जाएगा और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ऑयली हैं तो आपका जो एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा क्योंकि जो किम्बर है वो पी को बैलेंस आउट करने के लिए भी एक हेल्दी इन्ग्रीडियंट है बीट फॉर योर स्किन और फॉर योर हेयर सो so, उसके अलावा मैंने एक छुटपुट इंग्रेडिएंट यूज़ किया जो कि हम प्रेपरेशन प्रोसेस में डिस्कस करेंगे सो so, प्रेपरेशन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आप खीरा लेंगे और उसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे या आप ग्राइंड कर लो या ग्रेट कर लो जो भी आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है वो आप कर लो तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ ग्रेट तो मैंने यहाँ पे रफली तीन क्यूकम्बर्स जो हैं वो ग्रेट किए ठीक है मैं अपने बालों की लेंथ और वॉल्यूम के हिसाब से कर रही हूँ आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हो और दूसरा मेरे क्यूकबर का साइज आप देख सकते हो छोटे क्यूकबर है और आपको शायद बड़ा मिलेगा तो आप एक ही कर लो आप इस हिसाब से, से डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितना यूज़ करना है तो अच्छे से मैंने इसको ग्रेट किया और उसके बाद इसका जितना भी जूस था वो मैंने निकाल लिया निकाल लिया उसको हम रख देंगे साइड में तो रफली मेरा एक बड़ा वाला जो बोल होता है उतना मेरा ये कोकम्बर का जूस निकल गया ठीक है नाउ यहाँ पे जो प्रेपरेशन प्रोसेस है उसमें हल्का सा ट्वीक आएगा कैसे अगर आपके स्कैल्प जो है वो ही ऑयली है और आपके जो स्ट्रैंड्स हैं वो ड्राई हैं ठीक है और या फिर नॉर्मल है फॉर दैट मैटर तो आप क्या करोगे आप इस क्वांटिटी में बनाओगे जितना मैंने बनाया था क्योंकि मेरे भी जो स्कैल्प है वो ऑयली है लेकिन स्टैंड्स मेरे नॉर्मल हैं ना ही ड्राई है ना ही ऑयली हैं ठीक है, है. थीके? तो मैंने यहाँ पे क्या किया था मैंने यहाँ पे लिया था थ्री टेबल स्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी बिकॉज आई एम मेकिंग इट ओनली फॉर माई स्कैल्प तो उतनी ही क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ ठीक है अगर आपके स्टैंड भी बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो तो हम यहाँ पे ऐड करेंगे थ्री टेबल स्पून ऑफ मुल्तानी मिट्टी जिसमें हम ऐड करेंगे रफली आधा बोल ऑफ दिस कुकम्बर जूस हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी पतली सी बनेगी हमेशा कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी पतली ही प्रीफर करती दूँ क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो है वो एक्सेस ऑयल एब्बॉर्ब कर लेती है तो इसको हम बहुत ज़्यादा मोटा ऑलरेडी अगर बनाएंगे तो बहुत जल्दी सूख जाएगा तो ऐसी कुछ कंसिस्टेंसी ज़्यादा आइडियल रहती है मेरे हिसाब से बाकी आप ऊपर नीचे कर सकते हो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम एक फाइन सा पेस्ट बन जाएगा हमारा जिसमें बिल्कुल भी डले ना हो बिल्कुल भी उसका जो लंप है वो ना हो वो अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए हो गया उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपना थर्ड इन्ग्रीडियंट विच इज़ एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल यहाँ पे ऑप्शनल है मैं यहाँ पे इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि कई बार मुल्तानी मिट्टी आपका ऑयल एब्जॉर्ब तो कर लेती है हल्का सा एक फ्रिज दे, दे देती है बालों को दे देती है इसलिए मैंने यहाँ पे वन टेबल स्पून एलोवेरा जेल ऐड किया है आप डिसाइड कर सकते हो अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ऑयली हैं तो आप ये वाला स्टेप जो है एलोवेरा जेल ऐड करने का वो स्किप कर सकते हो ठीक है मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया और उसके बाद जो दूसरा बचा हुआ जो जूस है कम्बर का जूस वो हम डालेंगे एक स्प्रे बॉटल में उसको हम यूज करेंगे फॉर आर स्ट्रैंड्स और ये जो मिक्सचर हमने बनाया है क्लेंजर दैट विल बी यूज फॉर आर स्कैल्प तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बालों को डिटेंगल एज आई ऑलवेज से डिटेंगल करो बहुत अच्छे से और खासकर मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हो तो पक्का आप करो डिटेंगल जिससे कि आपके बाल बिल्कुल भी उलझे ना आपस में तो अच्छे से पहले आप अपने बालों को डिटेंगल करोगे अपने पूरे के पूरे स्कैल्प में इसको स्प्रेड करोगे अच्छे से और उसके बाद आपकी बारी आएगी स्ट्रेंड्स की स्ट्रेंड्स में हमारा जो स्प्रे बॉटल था कुकुंबर जूस वाला वो हम यूज करेंगे और अच्छे से अपने स्ट्रेंड्स में भी जूस जो है कुकुम्बर वो अप्लाई करेंगे ठीक है ये जो क्लेंजर है आपको बहुत देर तक अपने स्कैल्प में रखने की जरूरत नहीं है आप वेट करोगे रफली फॉर अबाउट टेन मिनट्स और मैक्सिमम फिफ्टीन मिनट्स टेन टू तो फिफ्टीन मिनट्स मैक्सिमम और इसे पानी से ही रिंस कर लोगे आज के दिन आपको शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैं आपको यहीं कहीं दिखा देती हूँ कि मेरे अभी सेमी ड्राई हैं इनफैक्ट अभी भी मेरी सेमी ड्राई है अच्छे से मेरे बाल सूखे नहीं तो मैंने इतने अच्छे से जैसे प्रॉपर वे होता है ना सुलझाने का सुलझाया नहीं है तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा हल्का सा फ्रिज ही सा तो बेसिकली हल्का सा आपको फ्रिज दिख रहा होगा तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो होता है ना मुल्तानी मिट्टी एक्सेस ऑयल को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर लेता है यू विल नॉट फील द नीड टू डू शैम्पू अगर आपके बहुत ही ज्यादा ऑयली स्कैल्प है तो मे बी आपको नेक्स्ट डे करना पड़ जाए लेकिन मेरा अगर स्कैल्प है ऑयली में आता है एक्सेसिवली ऑयली में नहीं आएगा शायद तो मेरा तो ये दो तीन दिन तक चल जाएगा मतलब नॉर्मल शैम्पू की तरह मैं ऑलमोस्ट इसको ट्रीट कर सकती हूँ अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनके स्के और स्टैंड्स भी बहुत जल्दी चिपचिप -चिप हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको बाहर जाने में प्रॉब्लम होती है बिना शैम्पू के जिसकी वजह से वो ऑलमोस्ट डेली शैम्पू ऑल्टरनेट डे शैम्पू करते हैं और उसकी वजह से उनका हेयर फॉल थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि ऑब्वियसली ये जो पूरा प्रोसेस होता है शैम्पू एंड ऑल ऑफ दैट उसमें एक्सटर्नल फोर्स में थोड़ा बहुत हेयर फॉल तो होता है ठीक है लेकिन ये लेंजर जब आप यूज़ करोगे ना आप देखोगे आपका मिनिमल कम से कम हेयर फॉल होगा आई कैन टेल यू दिस आई कैन टेल यू दिस ठीक है तो अब बात कर लेते हैं मेथड नंबर टू की मेथड नंबर टू के लिए आपको क्या करना है आप जब इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड करोगे ना तो मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड की थी वैज़ आप जब मुल्तानी मिट्टी ऐड करोगे तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करोगे एज पर योर हेयर स्ट्रेंड्स ऑल्सो ठीक है और कोकम्बर जूस जो है वो आप कंप्लीटली यूज़ कर लोगे इसी वाले मिक्सचर में आप कोई भी हेयर स्प्रे नहीं बनाओगे आप सिर्फ और सिर्फ एक हेयर क्लेंजर बनाओगे जो कि आप इंटायरली फ्रॉम द रूट्स टिल द टिप्स यूज करोगे आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है आप जरूर से ट्राई करना और मुझसे अपना रिव्यू इधर कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और यूजफुल वीडियो के साथ टिल देन बाय